हेलो गाइस, मार्वल की जो नई मूवी आ रही है अगले महीने उसका ट्रेलरवा आ गया है एंड ट्रेलरवा देखने के बाद बोलना पड़ेगा कैंग सबकी गांड। जोक्स अपार्ट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इवनिंग, जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि वो मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि मैं तुम्हें क्या अलग बताने वाला हूँ टॉप क्रिएटर्स से। सो सिंपल सी बात है, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, लेकिन इस ट्रेलर के बारे में नहीं, ओवरऑल मार्वल के बारे में, लेकिन इस ट्रेलर के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ एंड मैं तुम्हें इन सारी चीजों को बहुत इंटरटेनिंग वे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आई मीन सस्ती मस्ती के साथ, जिसके सुनने के बाद तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी वाली सुख की प्राप्ति होगी। अबे इस सुख की प्राप्ति गलत गलत इंडिकेशन जा रहा है। देखने के बाद तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम हंसोगे, बोलोगे भाई क्या मस्त समझाए वो ट्रेलर के बारे में। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई ट्रेलर की, मतलब ओवरऑल ट्रेलर में क्या क्या चीजें हमें दिखाई गई, कहानी क्या होने वाली है मूवी की, बकिल कह रहा है कौन मरेगा, मेन इंपॉर्टेंट बात कौन मरेगा, ट्रेलर का मोस्ट इमोशनल एंड बेस्ट डायलॉग क्या लगा मुझे, एंड ये मूवी सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है आने वाली सारी मूवीज के लिए एंड आने वाले सारे फेजेस के लिए। एवेंजर कैंग डायनेस्टी मूवी आने के पहले ये मूवी क्यों सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि लास्ट ईयर का हाल हम जानते हैं मार्वल का क्या रहा है। तो पहले शुरुआत करते हैं अपने पहली बात से। पहली बात क्या है भाई, ट्रेलर हमें क्या दिखाया गया। सो ट्रेलर पूरा नैरेटिव स्टाइल में चलता है, एक नरेशन चलती है कैंग की आवाज में एंड वहां पे वो बटरिंग कर रहा है हमारे एंटमैन पे कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हो, तुम एक एवेंजर रह सके हो, तुम मेरी ही तरह अपनी बेटी से प्यार करते हो, जो कि यहां पे मिल कर रहा है। कैंग की कोई बेटी बुटी नहीं है, वो सिर्फ चुतिया बना रहा है एंटमैन को कि कैसे भी ये उसको बटर मक्खन ब्रेड कुछ भी लगा के अपनी तरफ ले ले एंड अपना काम निकलवा पाए, जिसके लिए वो यहां बुलाता है। एंड एंटमैन शुरू में उसके तरफ हो जाएगा, सोचेगा भाई वो बहुत अच्छा आदमी है, भाई वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए समय दूंगा। हमें कैंग की बहुत सारी पावर्स देखने को मिलती है, वो कैसे एंटमैन के अलग अलग वेरिएंट को धड़ 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 लेके आ जाता है, रियलिटी चेंज करता है, कितना ज्यादा डिस्परेट दिखाया गया है कैंग को, जिस पे हम आगे बात करेंगे। एंड जिस तरीके से इसका म्यूजिक है, बैकग्राउंड स्कोर लिटरली बोलना पड़ेगा, वो नरेशन में हो या फिर एक्शन सेट पीसेस में या फिर एकदम काम सीन कहीं पे डायलॉग बाजी चल रही है, दोनों अपने थॉट्स प्रोसेस शेयर कर रहे हैं, भाई वहां पे हर जगह किल करता है। एंड जिस तरीके से सेट पीस दिखाया गया है, बोलना पड़ेगा एंटमैन मूवी में आज तक ऐसे सेट पीसेस यूज नहीं हुए हैं एंड ये वन ऑफ द बेस्ट मार्वल के सेट पीसेस में काउंट किया जा सकता है। क्या खूबसूरती से सारे क्वांटम रियल की दुनिया को दिखाया जाता है। ट्रेलर में कोई जोक नहीं है, एक सिंगल जोक नहीं मारा गया ट्रेलर में एंड ट्रेलर बहुत ज्यादा डार्क टोन पे चलता है, ब्रूटल है। एंड मैं कैंग को तो उतना ज्यादा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं कैंग का जानता हूं बारे में, भाई कैंग ब्रूटल एंड उसका ब्रूटलनेस इसमें दिखता है। एंड जिस तरह से हमारा कैंग डेस्परेट दिखाया गया है, ही इज नॉट द रियल कैंग द कंकरर, क्योंकि कैंग द कंकरर जहां तक मुझे पता है वो इतना ज्यादा डेस्परेट नहीं है किसी भी चीज को लेकर, वो बहुत शांत कामनेस रहता है। लेकिन यहां पे जो कैंग दिखाया गया, उसके कपड़े फट चुके हैं, वो नंगा हो चुका है, एंटमैन को पैरों तले कुचल रहा है, उसकी हेलमेट तोड़ चुका है, उसको कुत्ते की तरह मार रहा है। इसी के साथ मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो हमारे स्कॉट भैया की सासू माँ है, उन्हें कैंग के बारे में सब कुछ पता है, वो जानते हैं वो क्या करने वाला है, कैसे करना, उसके पावर्स क्या क्या है, वो सारी बातें सही हो जाती हैं। जिस ट्रेलर में देखने को मिलती है, वो अपने मतलब बेटी के बॉयफ्रेंड से बोलती है भाई वो बहुत खतरा, वो रियलिटी को चेंज कर सकता है, उसके जो विजन है वो बहुत खराब है, वो दुनिया पे राज करना चाहता है, जो कि हमें ट्रेलर में देख के पता चलता है। एंड जैसे ट्रेलर डिजाइन किया गया, इट गिव्स अस चिल्स, मतलब जिस तरह से रोंगटे खड़े हो रहे ट्रेलर को देखने वाले, वो जो एंटमैन को जिस तरह से कुचल रहा था कैंग, दिस गिव्स मी चिल्स। एंड भाई वो जो इंटेंस फीलिंग थी ना, कैसे एक्सप्लेन करूं यार, बोल दूंगा तो तुम जज करने लगोगे। एंड इसी साथ हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिला, मॉर्डक। इसके पहले ट्रेलर्स में दिखाया नहीं गया था, लेकिन लीक से आ चुके थे भाई मॉर्डक भैया है हमारे, वही दिमागी विलन का दिमाग बहुत बड़ा सा है। यहाँ पे वो कैंग का टेक्नीशियन का काम रोल निभाएगा या कैंग की मदद करेगा, भाई तुझे वर्ल्ड डोमिनेशन करना, मैं तेरे लिए टेक बनाएगा, तू मुझे सामान ला के दे, मैं तेरे लिए सब कुछ करेगा। एंड हमारा कैंग क्यों नहीं निकल पा रहा है अपने क्वांटम रियल में से, तो ऐसा बात है कि वो बाहर नहीं जा सकता, वो बाहर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि कैंग द कॉन्करर उसका इंतजार कर रहा है, अगर वो गलती से अपनी टेरिटरी छोड़कर निकले और कैंग द कॉन्करर उसकी गढ़ मार देगा। तब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं भाई, कहानी क्या होने वाली। ट्रेलर का तो भाई मैंने बता दिया क्या क्या है, अब कहानी ये ऐसी होने वाली है कि शुरू में भाई हमारे एंटमैन भाई उसकी परिवार पूरे जाएंगे, वो लोग अलग हो जाएंगे, उसकी बेटी एंड सासू माँ वगैरह अलग हो जाएंगे, इधर दोनों बाप बेटी एक तरफ हो जाएंगे एंड कैंग मिलेगा एंड कैंग उन्हें बोलेगा कि मैं तुझे तेरी बेटी के साथ जितने भी तूने वक्त नहीं बिताए, जितने 5 साल 7 साल जो उसके साथ तू नहीं था, मैं तुझे वो जीने का मौका दूंगा, तू मेरा ये बस काम कर दे। एंड वहां पे एंटमैन पिघल जाएगा भाई, सोचेगा यार चलो मुझे अपनी बेटी के साथ जीने का मौका मिलेगा, लेकिन लास्ट आते आते उसे रियलाइज हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो अपनी बेटी के साथ कितना समय बिता रहा है, ये इंपॉर्टेंट है वो कैसे समय है, वो सुख भरे समय है या फिर दुख भरे, अच्छी मेमोरीज है कि खराब मेमोरीज, मेरी बातें समझो, भावना समझो, शब्दों पे मत जाओ क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं बोलना चाहता हूँ। एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई वो लास्ट में समझेगा टाइम डजेंट मैटर, कि तुम कितना किसके मतलब समय कितने साल कितना वक्त तुम किसी को देते हो, तुम कैसे उनके साथ रहते हो, तुम्हारे उनके साथ रिलेशंस क्या है, तुम उनके साथ जिंदगी बिता दो लेकिन वो खुशी ना हो तो ऐसी क्या, तुम एक साथ रहने के लिए पूरी दुनिया को तबाह कर दो, ये कौन सी खुशी हुई, जो हमारा एंटमैन लास्ट में समझेगा एंड वहां पे मूवी इमोशनली हिट करेगी तुम्हें
एंड वहां पे तुम्हें कैंग का असली चेहरा देखने को मिलेगा, जो शुरू से एकदम स्वीट एंड चार्मिंग एंड थोड़ा बोल्ड कैरेक्टर दिखाया जाएगा, एंड लास्ट आते तो वो डिस्पेट हो जाएगा, एक ऐसा डिस्पेट दरिंदा जो दुनिया को तबाह करा जाता है, एंड उसे तबाह करने के लिए वो एंटमैन के सारे वेरिएंट्स को मारना शुरू कर देता है। जिस तरह से वो पैगेटी बन रही है ना ट्रेलर में, वो शो करता है कि भाई जितने भी हजारों मिलियंस के वेरिएंट्स हैं एंटमैन के, वो कैसे लड़ेंगे उसे, भाई वो किसी भी चीज को चेंज कर सकता है, रियलिटी बदल सकता है, टाइम बदल सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, वो कैसे हराएगा। लेकिन उसमें कोई एक फ्लॉ होगा जिसका इस्तेमाल करके एंटमैन एक सुसाइड मिशन पर जाएगा उसे मारने के लिए, एंड वो बोलेगा आई लव यू कैसी, एंड दैट गिव्स मी चिल्स, क्योंकि वो डायलॉग है जो शो करता है कि स्कॉट लैंग अपनी बेटी से कितना मोहब्बत करता है। यार मेरे आंखों में आंसू आ गया ये बात बोलते हुए। इसी के साथ मॉडक का अच्छा खासा रोल होने वाला है मूवी में। हाँ, वो एक टेक्नीशियन का रोल प्ले करेगा, वो मतलब उसी को कुछ इक्विपमेंट चाहिए होगा जिसके लिए हमारे कैंग ने एंटमैन को बुलाया कि तू जा ये चीजें लेके आ, ये बनाएगा, एंड वो पूरा कांड होगा कैंग रिकॉनकॉरर से बचने के लिए या फिर उसे मारने के लिए, अपने कैंग रिकॉनकॉरर बनने के लिए, मतलब बहुत सारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कहानी कैसे चलेगी, तो भाई मूवी ये आ जाए। और अब तो लेकिन ये बात बता दें, इसके बाद कोई ट्रेलर मत देखना इसका, कोई भी टीवी स्पॉट देखोगे तो कहानी पूरी स्पॉइल हो जाएगी, क्योंकि इसमें ही बहुत सारी कहानी स्पॉइल हो चुकी है जितना ट्रेलर में हमें दिखाया गया। ट्रेलर तो भाई फाड़ू था, एकदम माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त, शब्द कम पड़ने से बताने के लिए, लेकिन प्लॉट स्पॉइल कर देता है। इसी के साथ कौन मरेगा, ये ऑब्वियस क्वेश्चन आप सबके मन में आ रहा होगा, जो कि मेरे मन में आया था, एंड इसका जवाब सिंपल, स्कॉट लैंग मरेगा। एंड अगर ये नहीं मरता, कुछ कांडा कांडी हो जाए, कुछ तिगड़म लगा दे, प्लॉट आर्मर कर दे, एंड कैंग को मार देते हैं, दोनों को मार दो या तो स्कॉट को मारो। अगर कैंग को मारते हैं तो कैंग का आने वाले जितने भी कैंग से उनका हाल हो जाएगा भाई हमारे गॉडी गॉड बुचर के कारण, क्योंकि भाई अगर एंटमैन मार सकता है एज एन एवेंजर की टीम में देखा जाए तो एक वन ऑफ द वीकेस्ट कड़ी मान सकते हो तुम एंटमैन को, एंड अगर एंटमैन इतना खतरनाक कैंग को हरा सकता है तो भाई सारे एवेंजर्स की क्या जरूरत है। जस्ट किडिंग, लेकिन यार मजाक करने वाली बात नहीं है, स्कॉट लैंग मरेगा मूवी में, एंड कैंग भी मोस्ट प्रोबेबली वाला मारा जाए, क्योंकि जिस तरह से दिखाया गया पूरा सीन क्रिएट किया गया, तो वहां पे मारा जाएगा या फिर क्वांटम रियल्म से वो निकल नहीं पाएगा, और भी अंदर क्वांटम रियल्म के जो भी कुछ हो वहां पे वो फंस जाएगा, एंड दोनों मरेंगे। जो कि भाई इस साल जितनी भी चीजें आ रही है मार्वल की, वो तुम्हें रुला देने वाले हैं। लास्ट वकांडा फॉरएवर जो भी चीजें आ रही हैं, लिटिल दे आर मेकिंग अस क्राई। क्यों मार्वल, क्यों यार, जब से एंड गेम खत्म हुआ तो तुम बहुत बेहुदे माल दे रहे हो, तुम इतना इमोशनल दे रहे हो सर बंदे की। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे आ जाते हैं, ये मूवी सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है आने वाली जितनी मूवीज एंड फेजेस हैं। तो इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस देने वाली है कैंग के असली ब्रूटलनेस का, कैंग कौन है, कैंग की पावर, क्योंकि हमने जो लोकी में कैंग देखा है ही इज काइंडा डिप्रेशन टाइप का कैंग था यार, वो हंसी मजाक वाला कैंग था, उतना ब्रूटल नहीं था, वो मरना चाहता था, नहीं तो भाई किसी के गाने में दम नहीं था कि दोनों में से मार पाए वो उसे कोई। सिंपल सी बात है, हमें एक असली कैंग दिखेगा जो डिस्परेट है पावर्स के लिए, हर चीज के लिए, वो अपने काम करवाने के लिए डिस्परेट है, तुम्हें मारने के लिए डिस्परेट, वो ब्रूटल है, वो सारी चीजें हमें पहली बार देखने को मिलेंगी, एंड अगर मार्वल यहां पे फीका पड़ता है तो लास्ट ईयर वाला पूरा हाल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ट्रेलर है आई डोंट थिंक कि लास्ट ईयर वाला हाल होने वाला है मार्वल। हाँ, मार्वल ने लास्ट ईयर दो तीन मूवी एंड सीरीज दी जो कि बहुत ज्यादा बेहुद्दी थी, जिस कारण फेज 4 का बहुत ज्यादा रिस्पांस खराब आया, मार्वल की ऑडियंस कम हुई है, जो कोर ऑडियंस थी वो है, लेकिन जो और एक्स्ट्रा ऑडियंस जुटी वो छुट्टे, भाई मूवी हम देख रहे, हम तो कॉमिक्स पढ़े नहीं है, तो तुम हमें मूवीज में क्या स्पेशल नहीं दे रहे हो तो हम क्यों देखेंगे, तो वो ऑडियंस कम हुई, लेकिन वो फिर हाइप करेगी अगर कैंग को ब्रूटल दिखाया जाए, कैंग का असली पावर दिखाया जाए, क्योंकि थैनोस हमें क्यों पसंद है, वो ब्रूटल था, वो जब लड़ रहा था एवेंजर्स से तो लग रहा था भाई एवेंजर्स की गांड फटी पड़ी है। लेकिन अगर कैंग को उस तक लेवल उससे टॉप ना को उसे 10 गुना और पावरफुल ना दिखाए तो नेक्स्ट फेज बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, जिसके लिए उन्हें पहली मूवी में कैंग को ओवर पावर दिखाना पड़ेगा स्कॉटलैंड से इतना ज्यादा कि मतलब कुछ पूछो मत। तो यही मेन रीजन है कि इस मूवी को अच्छा परफॉर्म करना होगा एंड लोगों को पसंद आनी पड़ेगी, एंड कैंग का जो ब्रूटलनेस है वो दिखना चाहिए, लोगों को आंखों में खौफ बैठ जाना चाहिए कैंग के नाम से, लोग डरने चाहिए, जिस तरह कैंग इस ट्रेलर में दिखाया तो भाई मैं देख के दिल बाग बाग हो चुका है, एंड आई काइंड ऑफ लव द कैरेक्टर ऑफ कैंग, एंड जिस तरह से भाई बंदे ने एक्टिंग की है लिटिल, वो इतने सारे वेरिएंट निभाएगा एंड सब वेरिएंट अलग अलग तरीका से सोचेंगे, दिखेंगे, एक्सप्रेशन अलग होंगे, देख के दिल खुश होने वाला है। एंड मेरा ओपिनियन ओवरऑल ट्रेलर पे, भाई ट्रेलर एकदम फाड़ू जबरदस्त, चिल्स देने वाला, मतलब जितने शब्द बोलूं वो कम है लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा भी हो रहा है, इतना ज्यादा मतलब जो कहानी स्पॉइल की अगर उसको हटा दो तो तीन शब्द कम कर दो, उतना ही मैं एक्साइटेड हूं। एंड एक बार बता देता हूं, कहानी हमें ट्रेलर देख के तुम्हें भी हल्की फुल्की मतलब 40-50% कहानी समझ में आ गई होगी, एंड अगर अब भी तुम चुचू करते एकदम खुजली हो रही है तुम्हें टीवी स्पॉट तो जाके देखो, फिर पिक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मार्वल टीवी स्पॉट अभी भी डालते भाई मार्वल ही गलती है, छोटे छोटे ऐसे शॉर्ट्स ट्रेलर में कहीं काट काट के डाल दो, अलग से कुछ ना डाले मार्वल वाले, नहीं तो भाई कहानी पूरी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तरह स्पॉइल हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का हमें प्रमोशन मटेरियल देखने को मिला था भाई साहब, जितना प्रमोशन था वो 50% मूवी प्रमोट कर चुके थे, बचे 50% में जस्ट कहानी चल रही थी प्लेन, अगर तुम पूरा एक्शन सेट पीसेस स्पॉइल कर दोगे तो भाई लोग क्या देखने जाएंगे, इसलिए मार्वल अगर तुम मार्वल तो वीडियो देखते तुम देख रहे हो तो भाई तुम कम से कम मत देखो टीवी पर, अगर तुम नहीं देखो तो मार्वल डालेगा नहीं, तुम देखते हो कमेंट करते हो उन्हें भी एंगेजमेंट मिलता है, सोचते भाई लोगों को मजा आ रहा था हम भी करेंगे, बाकी ये सब तो बात हो गई ऊपर पर, लेकिन स्क्वाड के लिए दिल से बुरा लग रहा है यार, मतलब
जिस तरह से मतलब मारा गया ना भाई, जिस तरह से उसे कैंग मार रहा है, वो सोच के अभी मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा ब्रूटल एंड कैंग का जो पावर है जिस तरह कैंग डिस्प्लेड दिखाया गया, लिटरली उसके बारे में सोचने में चिल्स आ रहे हैं मुझे। एंड आंख से मगर ध्यान से देखो भाई, ट्रेलर देखने टाइम मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, कैंग जिस तरह से चल रहा था पैरों तले, बाप मतलब बहुत ब्रूटल था भाई। तो यही था आज का वीडियो, वीडियो में ज्यादा कुछ खास नहीं था, थोड़ी सस्ती मस्ती, थोड़ी इमोशनल डायलॉग्स कुछ फनी तरीका से बनाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना, मजा आया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना अगर देखना चाहते हो अभिजीत पर्सपेक्टिव के पर्सपेक्टिव किसी भी ट्रेलर एंड मूवी के ऊपर। और कुछ नहीं, खुश रहो, मुस्कुराते रहो एंड देखते रहो। सब्सक्राइब करना पड़ेगा देखने के लिए अभिजीत पर्सपेक्टिव।